बताओ भाई, पहले तुम लोग बताओ। बधाइयों वो ही बोल रहे लोग। हमने टाइटल ही ऐसा रखा था कि क्या कहते हैं, बधाइयों ही बोले लोग। तो अभी तो यही बोल रहे लोग, बाद में क्रिटिसाइज करेंगे अगर करेंगे तो घर में आके। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और रोज अभी भी देखा होगा, मैं फ़ोन पे ही था, लोगों के सिर्फ बधाइयों के मैसेजेस ही आ रहे हैं। उन्होंने पिक्चर देखी और किस तरह से उनको लगा पिक्चर देखने के बाद में, अनजान अनजान लोग जिनको हम जानते भी नहीं, उनका भी फ़ोन आ रहा है कि हमें देख के बहुत मज़ा आया। एंड पीपल आर सेइंग थैंक यू टू अस। आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग थैंक्स टू अस। वी वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी हु हैव लाइक्ड द फिल्म एंड दे हैव गॉन टू वॉच द फिल्म एंड थैंक यू एवरीबडी। हाँ, मतलब यही सेम। आयुष पर खुराना जी ने कहा था कि ये बहुत ही डिफरेंट जॉनर है अभी तक के उन्होंने जो मूवी की है, एक कॉमेडी जॉनर है पास, और एक एक्सपेरिमेंट भी किया है उन्होंने, क्योंकि ये टाइप की मूवी अभी तक कोई आया नहीं है ये स्क्रिप्ट को लेकर। तो डू यू थिंक कहीं पहले जब भी आप मूवी जब बना रहे थे, एक आपके मन में था यार मूवी ये चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्क्रिप्ट को लेकर? मूवी चलेगी या नहीं चलेगी सोच के फिल्म लिखी या बनाई नहीं जाती है। यही जब जब लिख रहे होते तब भी ये सोच के बनाई जाती है कि ये फिल्म चलेगी। सबका एक पॉजिटिव डिमांड भी ये होनी चाहिए कि ये फिल्म चले, क्योंकि अगर आपके मन में ये है कि ये फिल्म चलेगी नहीं, तो फिर लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं और बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन था हर तरफ से, जिसने भी आइडिया सुना, जिसने भी जो भी फिल्म के साथ में जुड़ रहा था, सबका एक पॉजिटिव रिएक्शन ये आ रहा था कि यार ये बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ कुछ मज़ा आ रहा है इसके अंदर, कुछ अलग हो रहा है। और जब आप कुछ अलग लिखते हैं और जब कुछ अलग बनाते हैं, तो वो ऑडियंस भी उस चीज़ को, आजकल का सिनेरियो ये है कि ऑडियंस भी आजकल कुछ नया कुछ अलग देखना चाहती है। तो वही हो रहा है बधाइयों के साथ में भी, और बनाते हुए और लिखते हुए भी हम लोग बहुत पॉजिटिव थे कि ये कुछ मज़ेदारी कुछ हो रहा है। एज अ डायरेक्टर आई एम सेइंग, जब मैंने स्क्रिप्ट का आइडिया जब पहली दफ़ा सुना था, वन लाइन आइडिया जब सुना था कि 51 ईयर ओल्ड मदर गेटिंग प्रेग्नेंट, वहीं से एक चीज़ क्लैरिटी आ गई थी कि ये अनहर्ड ऑफ है और आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज की डेट में भी ऐसा होता है। जब ट्रेलर हमारा बाहर आया तो बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये तो हमारे मोहल्ले में हुआ है, ये मेरी चाची के साथ में अभी भी हुआ है, बस सुनने में नहीं आता। तो उससे रिलेटिबिलिटी बढ़ गई और we are happy where we are sitting right now. The cast is also interesting. So how did you select the cast? जब कैरेक्टर्स लिख लिए उसके बाद में हम लोगों ने कास्टिंग की बात करनी शुरू करी, बिकॉज पहला ये था कि लिख लिए जाएं, उसके बाद में ही हम किसी एक्टर के पास जाके उनको अप्रोच करेंगे। क्योंकि पहले से लिख के सिर्फ आइडिया के तौर पे अगर आप चले जाते हैं एक्टर्स के पास में, तो वो बोलते हैं आप पहले लिख लाइए उसके बाद में हम बात करेंगे। आइडिया बेस्ड आइडिया जो है वो अच्छा लगा है तो, लेकिन इसलिए हम लोग किसी भी एक्टर के पास में पहले नहीं गए, हम लोग लिखने के बाद ही सब लोगों को अप्रोच किया। तो सबसे पहला पड़ाव हमारा आयुष्मान जी की तरफ था। सुनते सार उन्होंने बोला कि इतनी अच्छी फिल्म लिखी हुई थी कि उन्होंने बोला सुनते ही कि शूटिंग कब करनी है, शूटिंग शुरू करते हैं। तो उस तरह से ये सब कैरेक्टर्स एक एक करके जुड़ते चले गए। गजराज जी, नीना गुप्ता मैम, सुरेखा मैम, शार्दुल, सानिया मल्होत्रा, शीबा चड्डा मैम, ये सब के सब सुनते चले गए और जुड़ते चले गए स्क्रिप्ट के साथ, फिल्म के साथ। ओके सर, सुरेखा जी को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल था और कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसमें एक अलग ही फैक्टर उन्होंने ऐड किया है ये मूवी में और उनको बहुत ही सराहा गया उनके कैरेक्टर को, तो उनको डायरेक्ट करना कैसा था? उन्होंने मेरी लाइफ बहुत आसान करी एक्चुअली, क्योंकि जब ये कैरेक्टर अक्षत का जब ये कैरेक्टर का फर्स्ट चीज़ मैंने क्या सुना था, जब अक्षत और शांतनु ने जब ये लिखा, तो अक्षत की आवाज़ के अंदर एक डायलॉग का जो दादी का जो एक पूरा सीन है रैंट, जब वो जीतू अपने बेटे को डांट रही हैं और जब उनको ये खबर मिलती है कि उनकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है, तो एक जो पूरा जो फिल्म के अंदर वो सीन है, तो वो अक्षत ने अपनी आवाज़ में एक रिकॉर्ड कर दिया था वो। और जब वो मैंने सुना, शांतनु ने मेरे को आके सुनाया, तो मैं तो हंस हंस के गिर गया। तो रेफरेंस वो था कि अगर ये एक लड़के की आवाज़ में सुन के मेरे को इतना मज़ा आया है और इतनी हंसी आई है मेरे को,
तो उस कैरेक्टर को प्ले कौन करेगा? तो सुरेखा मैम का जब नाम आया तो सुरेखा मैम से सिर्फ मेरी दो चीज़ें थी, दो गुजारिश थी कि एक, मैंने सबसे पहले उनको अपनी दादी की फ़ोटो दिखाई कि मेरी दादी देखिए इस, ये मेरी दादी दिखती हैं इस तरह से वो कपड़े पहनती थी, इस तरह से उनका पहनावा था और वो बात इस तरह से करती थी। और अक्षत जब ये लिख रहा था तब उसने अपनी नानी को दिमाग में रखा था। तो हम अपनी ज़िंदगी से ही लोगों को उठाते हैं। मैंने अक्षत की नानी को नहीं देखा, अक्षत ने मेरी दादी को नहीं देखा, तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। सुरेखा मैम से मेरे को वो मिला जो मैं एक्सपेरिमेंट कर सका उनके साथ में, मेरे को जो मैंने बोला उससे ज़्यादा मिला मेरे को। जिस तरह से उनका कैरेक्टर था तो हमको ये नहीं, ये मेरे को ये चाहता कि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा ओवर ना हो और बहुत ज़्यादा सटल भी ना हो, तो एक बैलेंस्ड एक रखना था। तो जो सुरेखा मैम के साथ में मैं हर सीन में एक्सपेरिमेंट करता था कि मैम थोड़ा सा और ऊपर जाइए, थोड़ा इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा इसको आप नीचे और थोड़ा नीचे प्लेस करिए इसको। तो वो सब चीज़ें मेरे को करने का उन्होंने इतना ज़्यादा मेरा साथ दिया। और जो जब भी, क्योंकि बहुत मंजीवी एक्टर हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, और दादी के पहनावे में जब वो आती थी और मेरे को बोलती थी सो व्हाट डू यू वांट अमित, तो मैं वो अंग्रेज़ी सुनते ही मैं गिर जाता था। मैंने कहा इंग्लिश में क्यों बात कर रही हैं यार ये। तो बहुत ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो शी मेड माई लाइफ वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। ओके, ये मूवी बहुत ही जल्द 100 करोड़ क्लब में आने वाली है, शायद तक 200 क्लब में भी आ जाए। शुक्रिया। तो कैसा एक्सपीरियंस, मींस कैसा आपको लग रहा है 100 करोड़ क्लब में आ चुका है बधाई, और 2018 का एक मूवी ये भी जो 100 करोड़ क्लब में आ रहा है? देखिए ये तो एक सपने की तरह, एक ड्रीम की तरह है, एक कि जब लिख भी रहे थे अक्षत और शांतनु तो ये नहीं पता था कि ये फिल्म 100 करोड़ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, तब ये लग रहा था कि ये फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जब ये फिर मेरे पास में वन लाइन आइडिया सुनने के बाद में जब मैंने बोला नहीं ये तो फिल्म बनेगी बनेगी, इसको लिखना शुरू करना चाहिए, और अक्षत ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव डायरेक्टर थे ये एजेंसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग में। तो जब इस तरह की ईमानदारी आपके काम के साथ जुड़ती है कि एक इंसान अपनी नौकरी छोड़ देता है लिखने के लिए फिल्म, तो फिर वो 100-200 करोड़ सोचने का नहीं होता, फिर ये होता है कि ये बस लोग इसको देख लें, और अगर इसको 50 लोग भी देख के अगर हंस दें और मज़ा ले लें तो हम लोग सफल हो गए। लेकिन अब इसको इस तरह से बोला जा रहा है 100, 150, 200, तो जहाँ भी पहुँचेगी, जिधर भी पहुँचेगी, हम लोग बहुत खुश हैं। ओके, कल राजकुमार ईरानी जी ने कहा, एक फिल्म फेस्टिवल था उसमें कहा था कि राइटर एक जो होते हैं वो मेन होते हैं मूवी को लेकर, किरदार तो रहते उनके सिर्फ फेस रहता पर उनके पीछे जो मेहनत रहती है वो राइटर की रहती है, उन्हें रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो ये इंटरव्यू हो रहे हैं। रॉयल्टी वाली बात से मैं जवाब सुनना चाहूँगा। इसीलिए तो नहीं, बहुत मैं बहुत क्लियर था इस मामले में कि जिन्होंने ये फिल्म लिखी है वो भी मीडिया के सामने आए, उनकी शक्लें देखें, क्योंकि जनरली हम सिर्फ एक्टर्स की शक्ल देखते हैं या डायरेक्टर्स के इंटरव्यू देख लेते हैं, सुनते हैं। राइटर जो है वो एक बहुत अंडरपेड भी है और अंडररेटेड भी है, जबकि राइटर ये सब कुछ क्रिएट करता है। और जब मैं चाहूँगा कि ये ऐसा ना हो, अभी राइटर शुड बी पेड वेल एंड दैट्स द थिंग। अभी बोलो भाई कितना कितने पैसे चाहिए तुमको? नहीं देखिए, फिल्म जो होता है, फिल्म नॉवल जैसा नहीं होता। आप घर में बैठ के अकेले लिखते हो, आप अपने पब्लिशर को दे देते हो और वो छाप देता है। तो फिल्म बहुत कोलैबोरेटिव तरीके का मीडियम है, और उसमें मतलब राइटर की उतनी वैल्यू है जितनी डायरेक्टर की वैल्यू है, जितनी एक्टर्स की वैल्यू है, जितना DOP की वैल्यू है, किसी और की वैल्यू है, एडिटर की वैल्यू है। तो ये उस तरीके की चीज़ है कि हाँ, सबका अपना अपना काम होता है उस चीज़ में, और सब लोग उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने लेवल पर। तो फिल्म में मतलब ये नहीं हो सकता कि आप बोलो कि राइटर ही राइटर इम्पॉर्टेंट है, या डायरेक्टर ही डायरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, या कोई एक्टर ही इम्पॉर्टेंट है। ये है ही कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो बस एक चीज़ बस इसमें ऐड करूँगा, ये जो इस फिल्म की जब शुरुआत हुई थी तो जब मैं और अक्षत दो आइडियाज़ पर काम कर रहे थे, और वो दो आइडियाज़ मैं लेके अमित के पास गया, और क्योंकि अमित और मेरा पुरानी दोस्ती है, पुरानी ही जा रही है,
तो यूजुअली जो भी नया आइडिया आ रहा होता है, जो भी कुछ काम आ रहा होता है, तो एक बार अमित से ज़रूर बाउंस ऑफ करता हूँ। अमित, रियल लाइट बुद्ध आइडियाज़, दोनों आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे, लेकिन इस आइडिया के साथ इसलिए मेरे ख्याल से ये भी पिक हुआ गया, किया गया कि इस आइडिया की जब राइटिंग आगे बढ़ेगी तो अक्षत और मैं जो भी लिख रहे होंगे उसमें अमित की कोलैबोरेशन, अमित की डायरेक्शन, अमित का नज जो है वो भी बहुत ज़रूरी होगा। दो लोग एक कमरे में बैठ के कुछ ना कुछ लिखते रहें और उस बात में किसी को किसी का फीडबैक ना मिले और कोई डायरेक्शन ना मिले, उससे भी कई बार ऐसा होता है कि कहानी कहीं नहीं जाती। तो इस कहानी के प्रोसेस में ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुई कि अमित वाइल वी वर राइटिंग द फिल्म क्रिएटिंग अ वर्ल्ड टुगेदर एंड व्हेन अक्षत वाज राइटिंग द स्क्रीन प्ले डायलॉग्स, अमित का एक एक रेगुलर कोलैबोरेशन था, एक रेगुलर इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए राइटर और डायरेक्टर की जो जो ट्यूनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ हैं ट्यूनिंग ऐसी और सी, राइटर और डायरेक्टर एक हस्बैंड वाइफ की तरह होते हैं, जो लड़ते भी आपस में, झगड़ते भी आपस में, प्यार भी करते हैं आपस में। और क्योंकि शांतनु ने मेरी पहली फिल्म लिखी थी तेवर, तो इसका मेरा रिलेशनशिप एक्चुअली में वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है। तो शांतनु और अक्षत बचपन के दोस्त हैं, 18-19 साल से जानते हैं एक दूसरे को, तो समझते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से। और जब अक्षत ने शांतनु को जब ये आइडिया बताया तो उसने बोला कि ये अमित को सुनाना चाहिए, तो उस तरह से हुआ। बाकी तो जो है वो लिख कर इन्होंने जो रेडी किया वो आप सब ने देख ही लिया है। ओके सर, लास्ट दो सवाल, बधाई हो के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या कोई कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं? अब अगले साल एक और फिल्म है जो फुटबॉल बायोपिक है, जो उसकी डेट्स अभी हैं नहीं मेरे पास में, बट नहीं मतलब मेरी डेट्स नहीं है, मेरी डेट्स तो मैं तो बनाना चाहता हूँ जल्दी। एक्टर की डेट्स अभी आएंगी हमारे पास, तो अगले साल वो है जो ऑन फ्लोर जाएगी। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहिए जिन्होंने बहुत सारे प्यार दिए आपके मूवी को? शुक्रिया कहना चाहिए, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मतलब अच्छा लगता है आप प्यार मिलता है और ऐसे प्यार देते रहना। मैं मतलब मैंने जैसे बोला कि एक ड्रीम था ये, लिखने से लेकर बनाने तक, रिलीज़ होने तक एक ड्रीम ही था कि ये पहले जब अक्षत लिख रहा था तो और शांतनु जब लिख रहा था तो इनको लग रहा था कि पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो बनने के बाद में ये लग रहा था कि अच्छा पिक्चर रिलीज़ कब होगी, रिलीज़ होने के बाद में ये लग रहा था कि पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी हू एवर हैज सीन द फिल्म, हू एवर हैज नॉट सीन द फिल्म, प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म, एंड थैंक यू, शुक्रिया। Thank you.